लोगों को बिला वजह परेशान करते हो। ये तो बस शुरुआत है। अच्छा ये सब छोड़ो। देखो कुछ बताने वाला हूँ, हंसना मत तुम। ठीक है ठीक है। चलो फिर मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या है जो जिसके बारे में हम दोनों ने अभी तक नहीं सोचा। लैला आंटी और फिरोज आंटी के सामने कुछ सोचना मुमकिन नहीं है। हाँ ये तो सच है, बहुत ज्यादा बोलती हैं वो दोनों, और उनका तो भरोसा भी नहीं कि कब क्या कर बैठे वो दोनों। सच पूछो तो उन दोनों को देख के मुझे किसी की याद आती है। किसकी? एक मिनट, क्या मेरी? हद होती है। एक बात कहूँ मैं, ये जो दिल है ना तुम्हारा, प्यार में पड़ने के लिए नहीं है, देखा इसलिए कितना डरा दिया उन लोगों को। हाँ तरफदारी करो तुम भी उनकी, और ये सच है कि तुम भी बिल्कुल उनके जैसी हो। चलो इस बात को रहने दो सेलिन, मैं कह रहा हूँ कि चलो सोचते हैं ना कि अब तक हमने किस बारे में नहीं सोचा। सोचती हूँ कोई ऐसा काम जो हम दोनों ने कभी ना किया हो अपनी जिंदगी में। दमीर क्यों ना डांस किया जाए। हाँ शायद तुम जानती ही हो के मैं बोर्डिंग से हूँ। क्या बोर्डिंग स्कूल में ये भी सिखाया जाता है? अपना बैग देना जरा। हाँ लेकिन तुम तो डांस पहले कर चुके हो। हाँ बिल्कुल, यानी हाँ कर चुका हूँ मैं, लेकिन इस तरह से बीच सड़क पे और घर के सामने नहीं किया, तो ये बिल्कुल पहली बार होगा। डांस करना नहीं आता मुझे। यहाँ हो, तुम्हें सिर्फ मुझे देखना है, मुझे देखना है कि मैं कहीं भूला तो नहीं। दमीर, 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 सॉरी, 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 प्लीज, सॉरी।